नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। युवा प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का नगला गंगे बछरोई उसराहार इटावा में किया गया आयोजन। विकास खंड ताखा के अंतर्गत ग्राम नगला गंगे बछरोई मौजा में युवा प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन जसवंत नगर विधायक प्रतिनिधि ध्रुव यादव उर्फ चीनी ब्लॉक प्रमुख एवं उनके साथ मौजूद सिटी हॉस्पिटल उसराहार के डायरेक्टर डॉक्टर अमित यादव द्वारा फीता काटकर किया गया उद्घाटन। युवाओं की प्रतिभा में निखार लाने को आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हुए ब्लॉक प्रमुख ध्रुव यादव चीनी ने कहा, ग्रामीण इलाकों में तमाम प्रतिभाएं मौजूद हैं। प्रतिभाओं से इस तरह के आयोजन से निखार आता है। क्षेत्र के ग्राम नगला गंगे में आयोजित इस टूर्नामेंट में युवा खिलाड़ियों का ब्लॉक प्रमुख ने हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि खेलकूद के आयोजन से शारीरिक एवं बौद्धिक विकास से अहम भूमिका निभाते हैं। उसराहार से गौरव शाक्य की रिपोर्ट। उद्घाटन से पहले ब्लॉक प्रमुख ध्रुव यादव चीनी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके बाद पिच पर फीता काटते हुए ब्लॉक प्रमुख ने पहली गेंद खेलकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान ओपनिंग मैच खेलने को मौजूद हिटिंग वर्सेस राइट राइडर की टीमों के खिलाड़ियों से भी प्राप्त किया। इस टूर्नामेंट की अध्यक्षता कर रहे शोभाराम प्रजापति, सपा विधानसभा महासचिव जसवंत नगर इटावा कौशलेंद्र शाक्य प्रधान, युवा विकास संघ अध्यक्ष श्याम सुंदर प्रजापत, उपाध्यक्ष राम खिलावन प्रजापति, रविंद्र शाक्य, आलोक शाक्य, ब्रजेश प्रजापति, प्रशांत शाक्य, शिवाय प्रजापति, अनुप शाक्य, बीडीसी विनोद शाक्य, विनय शाक्य, ब्रजेश शाक्य, अनिल शाक्य आदि लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही बछरोई में बाबा जाहर वीर के मंदिर पर ब्लॉक प्रमुख ध्रुव यादव चीनी भैया का गणेश महाराज ने किया स्वागत। उसराहार से संवाददाता गौरव शाक्य की रिपोर्ट। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज।